वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और धमाकेदार से वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस बार की वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट में आप सबको बनाना सिखाऊंगा एन्चेंटेड आर्मर। और ये भी अभी मजा आएगा ना, वीडियो बताऊंगा एन्चेंटेड का क्या काम होता है, कौन कौन से एन्चेंटेड कहाँ कहाँ पे लगते हैं। अच्छा ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा बातें नहीं करते, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एन्चेंटेड आर्मर बनाना है तो उससे पहले मैं कह देता हूँ, पूरी वीडियो फुल वॉच करो तभी आप एन्चेंटेड आर्मर बना पाओगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने हेलमेट से। तो भाई, हेलमेट में लगेगा कुल 5 इक्विपमेंट, यानी कि 5 एन्चेंटेड। ओके, इसलिए एकदम अच्छे से देखना। और भाई चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रोटेक्शन, ये आपके हेड को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन, ये पानी में अगर आप ये पहन के नहीं जाओगे तो आपके सांस फूलती रहेगी, आप पानी में मरने लगोगे। बट अगर ये लगा के जाओगे तो आप पानी में भी 45 से 1 मिनट रह सकोगे, लिटरली। यार भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तीसरा है हमारा क्या है भाई, जरूर को देखते हैं क्या है। क्या है? ओके, एक्वा इन्फिनिटी। ये आप जैसे पानी में कोई भी जैसे कि माइनिंग करते हो तो बहुत धीरे धीरे होता है, बट अगर हेलमेट पहन के करोगे तो काफ़ी फास्ट फास्ट होगा, वाओ, जिससे मज़ा भी बहुत आएगा। और अगर आपके पीछे ड्रोन पड़े हैं ना तो आप बच भी सकते हो। और तीसरा है भाई नॉर्मल सा है, अनब्रेकिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एकदम वैसा ही है। और लास्ट है हमारा मेंडिंग, ये अगर आपका आर्मर टूटने वाला होता है ना तो उससे बचा लेती है, यानी कि अगर टूट भी जाता है तो पहले की तरह रिकवर कर लेती है, हील कर लेती है। तो भाई पहन लेते हैं इसको। अब आते हैं अपने चेस्ट पे, यानी कि 56 इंच की छाती के पास। तो भाई क्या क्या इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे देख लेते हैं। ये भी इसमें कुल 4 इक्विपमेंट लगेंगे, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग, मेंडिंग एंड थॉर्न्स। 3 के बारे में पता है, अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन एंड मेंडिंग, पर थॉर्न्स के बारे में नहीं पता है, वो अभी आपको बताता हूँ, रुको पहले लगा लेता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। ओके हो गया, ये भी हो गया। अब मेंडिंग, ठीक है भाई आ जा मेंडिंग। तो थॉर्न्स क्या काम करता है, थॉर्न्स ये काम करता है जैसे कि आप किसी भी मोब से लड़ रहे हो, मोब आपको मार रहा है, बट मोब जो मारेगा उसका अटैक उसी को जाके लगेगा, हमें डैमेज मिलेगा साथ में उसे भी मिलेगा। ये बूट्स में, हेलमेट, चेस्ट में, हेलमेट में, सब जगह लगता है, शॉर्ट को छोड़ के और चेस्ट को छोड़ और वो शील्ड को छोड़ के। ओके तो भाई इसे पहन लेते हैं। अब आते हैं पैंट पे। ओके तो आ जा भाई, इसमें बस 3 ही इक्विपमेंट लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा और तीनों के बारे में आपको पता भी है। ओके तो भाई पहला है हमारा प्रोटेक्शन, नहीं अनब्रेकिंग निकला, कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन भी हो गई, देखा प्रोटेक्शन भी है, अनब्रेकिंग भी हो गया और मेंडिंग भी हो गया। चलो भाई इसको भी पहन लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब आते हैं अपने बूट्स पे और इसमें कुल लगेंगे 5 इक्विपमेंट, ठीक है भाई। तो भाई इसे भी चलो लगा लेता हूँ। ओके आजा बूट्स। तो पहला है हमारा क्या है भाई, सोल स्पीड, ये अगर आप सोल पे चलते हो ना तो आप पे की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हो जाएगी, अगर आप धीरे धीरे भी चलोगे ना तब भी बहुत ही स्पीड में लगेगा कि आप चल रहे हो। और दूसरा है हमारा क्या है भाई, जल्दी आ जा, फॉर्स्ट वॉल्कर, ये पानी पे चलोगे तो पानी जो है बर्फ़ का हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, राउंड राउंड हमला नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर। और तीसरा है हमारा अनब्रेकिंग, पता ही है आपको। और चौथा है मेंडिंग, ये भी पता है आपको। पांचवा क्या है, फेदर फॉलिंग, इससे आप अगर ऊंचाई से कूदते हो ना तो आपकी जान बच जाएगी, चाहे आप 50 ब्लॉक से कूदो चाहे 60 ब्लॉक से कूदो, आपकी जान बच जाएगी। तो अब आते हैं थोड़ा युद्ध के मैदान में, यानी कि शॉर्ट पे। तो भाई बूट्स को पहन लेता हूँ पहले। ओके तो बूट्स
ओके हो गया है। अब चलो सॉर्ड में क्या क्या लगता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। इसमें कुल 7 इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई। देख लेते हैं क्या क्या है। और भाई चलो बनाता हूँ। तो सॉर्ड में है पहला इक्विपमेंट शार्पनेस, ये आपके ज़्यादा कुछ नहीं करता, आपके तलवार को शार्प कर देता है। और दूसरा है फायर एक्सपेक्ट, ये किसी भी मॉब को मारोगे तो उसमें आग लगा देगा जिससे वो जल्दी मर जाएगा। और तीसरा है हमारा क्या भाई, जल्दी आ जा, लूटिंग, जैसे कि आप कोई भी मॉब को मारते हो, ज़ॉम्बीज हो गया फिर किसी को भी, तो उससे जो आपको सामान मिलता है वो डबल हो जाएगा। देखा, जैसे हमें मीट डबल हो गया। और चौथा है हमारा नाउ बैक, ये आप ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, थॉर्न्स की तरह कोई भी अगर आपके ऊपर हमला करेगा तो वो हो जाएगा, यानी कि उसका अटैक उसी को लगेगा। मेंडिंग का भी पता ही था आपको। अब आते हैं शील्ड पे। शील्ड पे ना बस 2 ही इक्विपमेंट लगते हैं, मेंडिंग और अनब्रेकिंग, तो इसमें ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो भाई चलो, ये आ गया शील्ड, मेंडिंग भी हो गया, अनब्रेकिंग, ये बन गया हमारा पूरा इंचांडेस आर्मर। मैं इसको नाम देता हूँ सादिमा आर्मर। वाह मस्त है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, अगर वीडियो अच्छे से देख ली है तो आप लोग इंचांडेस आर्मर बना के गेम प्ले कर सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलेंगे ऐसी धमाकेदार से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।